कल छोड़ देना, आधे घंटे के होगा। कल ठीक आना, कर लेंगे आपको। मैं गांव सांबा से रहने वाली हूं। सर मेरे फादर साहब इधर दुकान करते थे। 1990 में सर उन्होंने पगड़ी पर दुकान ली थी। सर उन्होंने दुकान वालों ने उन्होंने को 4-5 साल से हरासमेंट करते रहे और उसके बाद वो डिप्रेशन में चले गए, बीमार हो गए और हम उनके साथ रहे। उनका बेटा कोई नहीं है सर, हम 3 बेटियाँ हैं। और इन्होंने क्या किया कि लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए पीछे से दीवार तोड़ी, हमारा 4 लाख का सामान निकाल लिया। और 4-5 दिन से हम पुलिस के पास जा रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सर कुछ भी छोटे निकाला है, सूरज दास और उसके बेटे दुकान वाले हैं। मेरे डैडी का नाम है जनक राय। अभी जनक राज ही हैं? हाँ जी, नहीं 1.5 साल से ये पूरे हो गए, तभी से हमें तंग कर रहे हैं। आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम सरकार से इंसाफ मांग रहे हैं। हमारा 1990 में हमारे डैडी ने गांव की जमीन बेच के इधर दुकान ली थी और आज हमें जो दिल के कितना बाहर निकाल रहे हैं। 1 लाख रुपया हमने इनको दिया था सर, आए इन्होंने हमें बिजली का बिल इधर हमारा आ रहा, पानी का बिल आ रहा, उधर कोर्ट में दिसंबर तक हमारा किराया जमा है। इन्होंने बिना नोटिस के इन्होंने हमारी दुकान जब्त कर ली सर। वही पीछे से दीवार तोड़ी है सर, सामान निकाला हमारा, सामान निकाल कर सर हमारा हमारा सर पूरा सामान निकाल कर उधर रख दिया है सर, वो पूरी दीवार तोड़ रही है और हमें इंसाफ चाहिए सर सरकार से। सर दिसंबर तक हमारा ना हमारा पूरा दिसंबर तक हमारा किराया भी जमा है, हमारा सामान गायब है, जैसे बिजली का बिल पूरा किराया भी पानी का बिल हमारा है। अगर 10 दिसंबर तक हमने एडवांस कराया जमा कराए दिए कौन होते हमारी दुकान तोड़ के ताले तोड़ के हमारा सामान निकालने वाले। सर लॉकडाउन के चलते हुए हमारा इधर आना नहीं हुआ, इन्होंने सर इस बात का फायदा उठाते हुए सर हमारा सामान गायब कर दिया जैसे।